जलंधर च वापरी वड्डी वारदात। फिर इनको मारे पांच छह जापर, फिर हमको मारे फटक के, फिर हमको मार के फिर उसको भी मारने गए तो उसने उसने भी मतलब दो बंदे थे तो उसने भी छोड़ाया, उसके चक्कू मार दिए। तो मोरिया पुल नेड़े व्यक्ति का किता बेरहमी नाल कतल। कितने बंदे थे? तीन बंदे थे सर। तीन बंदे थे, क्या कारण था? तुम लोग कहां से आ रहे थे? सर हम गोंडा से आ रहे थे। लुटेरिया ने दिता कतल दी वारदात नूं अंजाम। सोच रहे थे बाइक छीन रहे थे, गांजा मार रहे थे जी। हम लोग भाग रहे थे, चंद पैसों लिए प्रवासी व्यक्ति नूं उतारिया मौत दे घाट। नशेड़ी थे। और कितने पैसों की लूट हुई है तुम दो? जलंधर च वड्डी वारदात होने की खबर सामने आई है। दरअसल बीती रात यूपी तो रेल गड्डी राही जलंधर पहुंचे एक प्रवासी व्यक्ति का कुछ पैसों लिए लुटेरिया ने कत्ल कर दिता। बैग ना देन ते लुटेरिया ने प्रवासी व्यक्ति का चाकू मार के कत्ल कर दिता अते फिर लुटेरे फरार हो गए। मृतक व्यक्ति की पहचान प्रवीण शुक्ला वजो हुई है जो कि यूपी का रहने वाला सी। जानकारी अनुसार प्रवीण अपने साथियों नाल बीती रात 10:30 बजे यूपी तो रेल गड्डी राही जलंधर रेलवे स्टेशन ते पहुंचा सी ते ओहो पैदल ही अपने दो साथियों नाल दमोरिया पुल तो लंघ रहा सी कि रात 11 बजे दो लुटेरिया ने उन्हां नूं घेर लिया। ते जदों लुटेरिया ने प्रवासी व्यक्तियों कोलों नकदी मंगी तो दो प्रवासियों ने उसनू पैसे दे दिते, पर प्रवीण ने विरोध करना शुरू कर दिता जिस कारण लुटेरिया ने उसते चाकू नाल हमला कर दिता अते प्रवीण नू मौत दे घाट उतार दिता ते लुटेरे फरार हो गए। इस बाब तो जानकारी दिंदिया मृतक प्रवीण दे चचेरे भरा अते होरना दा की कहना है आओ सुनते हाँ। लल्लू शुक्ला। अच्छा कहाँ से आए हो? गोंडा से, जलंधर। जलंधर आए थे। तो जो जिसकी डेथ हुई वो कौन था? वो मेरा चचेरा भाई है। नाम क्या उसका? परवीन शुक्ला। अच्छा तो क्या हुआ था रात को? सर रात में यहाँ 10:50 बजे थे जलंधर सिटी, वहाँ 10 मिनट रेस्ट किए और 11:20 पे दो बंदे सामने से आके वार कर दिए। नहीं कहाँ पर किया वार? वार यही पटेल चौक आ रहे थे। अच्छा सामने जो पुल देवरिया पुल है उसके नीचे। अच्छा दो बंदे आगे, ये मैं नहीं देखा कि किधर से। क्यों क्यों मारा? क्यों उसका? वो चक्कू मार दिए। नहीं क्यों, वजह क्या थी? वजह सर ये थी वो पहले आए नशा का चीज मांग रहे थे, गांजा दो चिप्पर दो। मैं बोला मैं ये सब नहीं पीता था। पैसे पूसे छीनने के? पैसे पूसे के चक्कर में बाद में पड़े। फिर वो सब मैं बोला कि ये सब नहीं खाते पीते हैं। फिर वो बैग छीनने लगे, बैग छीनने के बाद वो अपना बैग भी दे दिए। फिर इनको मारे पांच छह झापड़, फिर हमको मारे फटक के, फिर हमको मार के फिर उसको भी मारने गए तो उसने भी मतलब दो बंदे थे तो उसने भी छोड़ाया, उसके चक्कू मार दिए। फिर हम दोनों को भी मारने जा रहे थे तो नहीं एक पंजाबी गड्डी वाला आ गया। अच्छा तो उसने उसके गड्डी के आगे जाके खड़े हो गए। अच्छा तो 7 बंदे थे, उन्होंने उतर के हमारा सहयोग किया। अच्छा वो किया तो वो बंदे दोनों जो मार पीट के चक्कू मार के और भाग गए। वो किस पे आए थे लड़के? सर वो सामने से आ गए थे। नहीं पैदल थे या किसी मोटर से? सर पैदल ही थे वो दोनों और पैदल ही भाग गए थे। हाँ जी। अच्छा तो उसके बाद अपने जो साथी था उसको कहाँ ले गया? साथी सर जिसने चाकू लगा था सर उसको मैं एम्बुलेंस आया। अच्छा। और उन्हीं जो बंदे मतलब रुके थे उन्हीं ने फोन किया, एम्बुलेंस बुलवाया, 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ गया। एम्बुलेंस यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया। हाँ। और हॉस्पिटल में जान तो वहीं निकल गया था, धुकधुकी चल रहा था। अच्छा यहाँ भी मैंने मशीन पूरा लगवाया। अच्छा बिल्कुल कोई टेम्परेचर नहीं, 0/0 बता रहा। ओके तुम कितने लोग थे? हम सर तीन बंदे थे। तीन बंदे थे जी। तीसरे का नाम क्या है? सर मेरा लल्लू शुक्ला नाम है और हमारे चाचा हैं। अच्छा जी। ग्यारह शुक्ला नाम है। ओके जी। और उनका वो हमारे चचेरा भाई है। ठीक है। मौत हो गया। कितने जने थे? मैं सर तीन बंदे थे। वो सर दो बंदे थे। दो बंदे थे। हाँ। दो बंदे थे, 6.5 फुट के थे सर। अच्छा। मोटे मोटे बोला कि आ जाओ हम तुम्हारे आगे हैं सगे, मैं इस करके चल गया। अच्छा बंदे वहाँ पे चाकू मार दिए, छीन लिया सारा पैसा। कहाँ पे? कहाँ पे ये घटना है? कब की घटना है ये? स्टेशन से उतरे मैं, क्या ऑटो कर लो। अच्छा कोई नहीं मिल नहीं रहा, मैं क्या तुरके आ जाओ। अच्छा वो तुरके आ गए। अच्छा दमोरिया पुल। अच्छा। दमोरिया पुल में चाकू मार दी। नहीं बेटा ये कहाँ से आ रहे हैं बंदे?
ये हमारे पिंड से यूपी से आ रहे थे। किस ट्रेन में आ रहे थे? हाँ जी। कौन सी ट्रेन में आ रहे थे? ट्रेन पाई पता नहीं है। ट्रेन पता नहीं, कितने बजे घटना? 10-10:30 के करीब करीब। तो किसने लूटा, किसने इसको, किसने बदमाश ने लूट लिया जी? खाएंगे हमारी जी। गाड़ी लगी कपूरथला जी, तो कपूरथले की गाड़ी लगी, वो कहे नहीं चलो जी। अब घर ही संजोग की बात देखो तो हमका नहीं, हम नहीं चले। वो कहे नहीं चलो, हमका चलो भाई चलिए। बस जैसे तुम मोरी पोल हम थोड़ा निकले जी, जैसे दो आदमी पहुंच गए चाकू मार दिए। दो बंदे थे जी, तीन बंदे थे। तो जैसे हम हमारे चाकू मारने लगे तब उसका हम पैर पकड़ लिया, हम अभी मर जाएंगे बूढ़े आदमी, और इसको चाकू मार दिए और वो दूर भाग लिया लड़का। अब हम अकेले बच्चे इधर, ये अकेले बच्चा उधर, बस इससे चाकू निकाल के थोड़े गिर गया। कितने बजे का मामला है जी ये मामला? हम वही अरे करीब 11 बजे का मामला है। अच्छा, 10:30-11 बजे का मामला? नहीं 10:30 का नहीं, 11 बजे का। 10:30 बजे तो पहुंचे हैं जी, 10:30 बजे गोल्डन से आए, टिकट हमारे पास गोंडा का है जी। हाँ, उत्थे दूजे पासे पुलिस अधिकारी दा इस मामले नु लेके की कहना है, आओ जानदे हां। ये मर्डर है और की मामला की हो रहा है? ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਉਤਰੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ, ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹਿਮ ਬ੍ਰੌਟ ਡੈਡ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ CA 1-2 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਲੱਸ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ। ਸਰ CCTV ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਨਮ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਰਾਈਚ। ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।